बेचैनियों का दौर है, ख्वाहिशों का शोर है, मुश्किलें अथाह हैं, मंजिल की चाह है, दिल में सपनों की अनसुनी आहटों की हलचल है, आंखों में कामयाबी के मंजर के दीदार की चाहत हर पल है, चिंताओं की धुंध में अपने अरमानों को खोने ना देंगे, चिंताओं की धुंध में अपने अरमानों को खोने ना देंगे, हम हार जाएं ऐसा हम होने ना देंगे, हम हार जाएं ऐसा हम होने ना देंगे, तलब इतनी है कि राह कैसी भी हो शिखर तक पहुंच कर दिखाओगे, तलब इतनी है कि राह कैसी भी हो शिखर तक पहुंच कर दिखाएंगे, किसी पन्ने की कोई रेखा या कोई स्याही बन जाएंगे, किसी पन्ने की कोई रेखा या कोई स्याही बन जाएंगे, जुनून और हौसले की एक गवाही बन जाएंगे, जुनून और हौसले की एक गवाही बन जाएंगे, हकीकत में किसी के जख्म की दवाई बन जाएंगे, जुनून और हौसले की एक गवाही बन जाएंगे, हकीकत में किसी के जख्म की दवाई बन जाएंगे, बीच मझधार में अपने जज्बे को सोने ना देंगे, बीच मझधार में अपने जज्बे को सोने ना देंगे, हम हार जाएं ऐसा हम होने ना देंगे, हम हार जाएं ऐसा हम होने ना देंगे, बस बहुत हुआ कोई भी बहाना बनाकर अब खुद को धोखा ना देंगे, बस बहुत हुआ कोई भी बहाना बनाकर अब खुद को धोखा ना देंगे, काश मैंने उस वक्त पढ़ाई की होती ये काश कहने का खुद को मौका ना देंगे, काश मैंने उस वक्त पढ़ाई की होती ये काश कहने का खुद को मौका ना देंगे, पश्चाताप के भावों में अपने दिल को रोने ना देंगे, पश्चाताप के भावों में अपने दिल को रोने ना देंगे, हम हार जाएं ऐसा हम होने ना देंगे, हम हार जाएं ऐसा हम होने ना देंगे। सो ये जो आपने लाइन सुनी ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कम मार्क्स आने पे या कुछ स्ट्रगल फेस करने पे या किसी ना किसी वजह से परेशान होते हैं और अपने स्ट्रीम के लिए गिव अप करने लगते हैं, उनके लिए लाइन्स डेडिकेटेड थी कि हम हार जाएं ऐसा हम होने ना देंगे। और चलिए अब उन मंजरों का भी जिक्र कर लेते हैं, जब हमको अपनी मंजिल मिल जाएगी तो कैसा वो मंजर होगा, चलो उसका भी नज़ारा देख लेते हैं, कैसे वो लम्हे होंगे, वो कैसी घड़ी होगी, कैसे वो लम्हे होंगे, वो कैसी घड़ी होगी, जब बाहें फैलाकर मंजिल मेरी मेरे इंतज़ार में खड़ी होगी, कैसे वो लम्हे होंगे, कैसी वो घड़ी होगी, जब बाहें फैलाकर मंजिल मेरी मेरे इंतज़ार में खड़ी होगी, कैसा वो समा होगा जब जीत का रंग मेरे बदन पर रंगा होगा, कैसा वो समा होगा जब जीत का रंग मेरे बदन पर रंगा होगा, वो सफ़ेद कोट पहनकर पहली दफ़ा आईने में मेरी झलक कैसी होगी, वो सफ़ेद कोट पहनकर पहली दफ़ा आईने में मेरी झलक कैसी होगी, जब मुझे डॉक्टर सब कहेंगे तो पापा के आंखों की चमक कैसी होगी, जब मुझे डॉक्टर सब कहेंगे तो पापा के आंखों की चमक कैसी होगी, कॉलेज में पहले कदम का एहसास क्या होगा और उस लम्हे से ज़्यादा मेरे लिए कुछ खास क्या, और उस लम्हे से ज़्यादा मेरे लिए कुछ खास क्या होगा। सो हाय, दिस इज रुद्रम श्रीवास्तव, MBBS फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ GSVI मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो आपने ये जो सारी लाइनें सुनी वो आप जैसी एक एस्पिरेंट स्नेहा ने लिखी, सो थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर सच ए वंडरफुल पोएम, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और
मैं फिर वही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो हर वीडियो के अंत में करता हूँ आपसे, आप समझ गए होंगे, मगर मुझे इस बार तिगुनी चौगुनी तेजी से आवाज आनी चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए, सीने फाड़ के आवाज आनी चाहिए। तो पूछू ना, तो चलो पूछ ही लेता हूं, हाउस द जोश? आवाज आई ना, तेजी से आवाज आई ना अंदर से, हाई सर। यही हाई सर आपको मेंटेन रखना है यार, नीट के एग्जाम फोड़ने तक। कभी भी डाउन फील करो यार, इसे डाउनलोड करके रख लो, या इसे लाइक या कैसे भी करके अपने पास सहेज के रख लो, सुन लेना। डिप्रेस हो मेरे को बताना, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें यार, बस सुन लेना ये लाइनें, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद में तुम काबिल हो, वो मंजिल अचीव करने के लिए तुम खुद में काबिल हो। तो अच्छा लगा हो तो यार फैला दो, आग की तरह से फैला दो। हर एस्पिरेंट के पास पहुंचना चाहिए, कोई भी एस्पिरेंट, बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, कोई भी डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए यार। इस दौर में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है, सब तक पहुंचाओ, अच्छा लगे तभी। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, तब तक तुम लोग अपना ये जोश मेंटेन रखना। सो बाय।